अब हम बात करते हैं कि क्या हम इस पे सिंपल एक्सेल फॉर्मूले ही लगा सकते हैं। अभी भी मैंने बताया आपको कि मैंने राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया पिवट टेबल के अंदर, क्या लेकिन लेकिन क्या पिवट टेबल के अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पे कमीशन देना है, हमें क्या देना है, कमीशन देना है। हम क्या हमें चाहते हैं कि अगर 6,000 से नीचे हुआ तो मुझे 5,000 का इंसेंटिव देना है, 6,000 to 5,6500 हुआ तो 3,000 का देना है, ये 10,000 का। अगर 6,500 से ऊपर हुआ तो हमें देना है 20,000 का कमीशन। तो यहाँ पे हम जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर, यहाँ पे अपना देते हैं कमीशन और यहाँ इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ, और यहाँ पे क्वांटिटी जो है हमारा उसको देते हैं, बोलते हैं कि क्या ये लेस देन इक्वल टू 6,000 है, ऐसा है तो 5,000 दे दे। अगेन इफ लगाया और क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू 6,500 है, ऐसा है तो 10,000 दो, अदरवाइज 20,000 दो। और दो इफ, दो ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड इसको ऐड कीजिए, देन ओके कीजिए, और आपके सामने आपका कमी आपका जो कमीशंस है वो यहाँ मिल गया।